हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द कॉस्ट एडिट्स। सो कैसे हो सारे, आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए हमें सीख तरह। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं रक्षा बंधन की फोटो एडिटिंग। भाई इसके लेकर इंस्टा पे मुझे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं कि रक्षा बंधन पे वीडियो बनाओ। एंड गाइस, जो भी आप लोग फोटो देख रहे हो स्क्रीन पे, मुझे कमेंट करके ये जरूर से बताना भाई कि इनकी भाई बहन की जोड़ी कैसी लग रही है। एंड रक्षा बंधन को लेकर के भी कुछ कमेंट जरूर से कर देना। अगर आप लोग को एडिटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या किसी तरीके का भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो जरूर से भी अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर से कर देना यार। एंड अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज, आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट के अंदर ऐड कर लेना। एंड बैकग्राउंड में पेंजी सारे क्लिक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाकर इजीली डाउनलोड कर लेना। ओके, तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये है भाई कि आप लोग को ऐड फोटो में जाने के बाद आप अपने फर्स्ट पिक को ऐड कर लेना। ओके, जो यार आप जिस फोटो को आप लोग बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, ठीक है, तो उस फोटो को आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे इस फोटो को ऐड कर लिया। एंड इस फोटो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं करना, बस इस फोटो को थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेना। एंड उसके बाद क्या आप लोग यहाँ पे पोजीशन दे देना, बिल्कुल ही परफेक्ट पोजीशन देना है कहाँ पे आप लोग इस फोटो को फिक्स करना चाहते हो। मतलब सिंपल है भाई, बैकग्राउंड में रखोगे तो स्काई में कुछ स्टेप्स आप लोग को फिक्स करना है। एंड जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आप लोग कुछ स्टेप से करना। ओके, तो मैं यहाँ पे इस बंदे को कुछ स्टेप से सेट कर लिया। एंड इरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसका ओपासिटी को हम लोग कम कर लेते हैं। एंड हार्डनेस को भी थोड़ा सा कुछ कम करते हुए साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना। एंड कुछ स्टेप्स हम लोग नीचे की तरफ से इरेज कर लेना। ओके, तो कुछ मतलब बोले तो कुछ एकदम पोस्टर टाइप की एडिटिंग होने वाली है हम लोग की, ठीक है, रक्षा बंधन पोस्टर एडिटिंग, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आप लोग को यहाँ पे इरेज करना हार्डनेस एंड ओपेसिटी को कम करते हुए। एंड उसके बाद जब आप जब इरेज कर लोगे कुछ स्टेप से बिल्कुल ही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और भी आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हो, जूम कर सकते हो भाई, जिससे थोड़ा सा आप लोग का और भी फोटो देखने में अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे क्या करना, जब आप फर्स्ट पिक को सेट कर लोगे बैकग्राउंड में, उसके बाद कैसे आप लोग को यहाँ पे प्लस का आइकॉन पे क्लिक करना सिंपली। एंड उससे पहले भाई ओपेसिटी को कम कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो मतलब जल्दी बोल देता हूँ, तो ओपेसिटी को क्या करना आप लोग को कुछ 80 के आसपास सेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि 81 एंड 80, फाइनल 80 पे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। एंड गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो क्या करना, आप लोग को यहाँ पे प्लस का आइकॉन बना आएगा, ठीक है। तो आप लोग जस्ट इस पर क्लिक करना एंड ऐड फोटो में जाना। एंड अब आप लोग को उस फोटो को ऐड कर लेना है जिस फोटो का आप फ्रंट में रखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस फोटो को ऐड कर लिया। ओके, तो इस फोटो को मैं यहाँ पे ऐड कर लिया। एंड थोड़ा सा यहाँ पे जूम करते हुए यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेप से आप लोग को भी यहाँ पे सेट कर लेना भाई, ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला एंड बहुत ही ईजी है भाई, आप लोग कर पाओगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। ओके, सो मतलब अच्छे तरीके से सेट कर लेना। एंड तब तक बताता हूँ कि बहुत ही नॉर्मल पोज है भाई इस टाइप का देना। एंड बहुत ही नॉर्मल पोज, आप इजीली इस टाइप का पोज दे पाओगे फोटो क्लिक करने टाइम एंड इजीली कर पाओगे एडिटिंग कुछ इस टाइप का। ओके, सो ये करने के बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। एंड हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। ओके, तो सेकंड स्टेप हमारा ये है कि आज हम लोग को फिर से ऐड फोटो में जाना। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग को इस बार ऐड करना एक सनलाइट की पीएनजी है। एंड एक जो है वो है सैड शैडो की पीएनजी, सैड शैडोज की पीएनजी। तो ऐड डाउनलोड के फोल्डर में सबसे नीचे की तरफ ये रहा सनलाइट, तो ये सनलाइट एंड एक सैड शैडोज की पीएनजी को यहाँ रहा, तो ये दोनों को ऐड कर लिया। एंड उसके बाद कैसे क्या करना कि ये जो सनलाइट को भी साइड में रखते हैं। एंड सैड शैडोज की पीएनजी को यहाँ पे मैं चिपकू बना लेता हूँ थोड़ा सा कुछ स्टेप से, ठीक है। एंड इसे जस्ट हम लोग नीचे की तरफ सेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद कैसे अब हम लोग सनलाइट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। एंड सनलाइट पे क्लिक करने के बाद इसकी ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लेना है। एंड इसका स्क्रीन करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड में जो पिक रहेगा उसके शोल्डर के पास इसे यहाँ पे फिक्स कर देना। ओके, सेट कर लेना उसके वहाँ पे शोल्डर के पास। एंड गाइस उसके बाद आप लोग को यहाँ से भी डन कर देना। ओके, सो गाइस पिक्सआर्ट के अंदर हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप है भाई फिर से हम लोग को ऐड फोटो में जाना। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम लोग को इस बार ऐड करना है वो जो भाई क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं, टीका तिलक, उसको ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे कि सॉरी भाई इसके लिए मैं नहीं जान रहा, तो इसको आप लोग को ऐड करना है। एंड इसका जो ये है भाई, इसका यहाँ पे बिल्कुल ही कहाँ पे सेट होता आप सभी को मालूम है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे लगाते हैं हम लोग। तो इसकी ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई नहीं डार्क नहीं कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सेट कर लेना। ओके, सो भाई यहाँ पर सेट कर लेना बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद किसके आप करना, क्या करना आप लोग को यहाँ पे इसके एक डुप्लीकेट भी आप लोग को यहाँ से बना लेना है। एंड जो भाई ये जो फ्रंट में जो फोटो है, मतलब भाई बहन दोनों को लगा देना इसको, ठीक है। सॉरी भाई इसको क्या बोलते हैं, मतलब तिलक या टीका कुछ ही टाइप का बोलते हैं ना भाई, तो उसको आप लोग को यहाँ पर लगा देना है। अगेन सॉरी भाई इसके लिए। सो ये हो गया। एंड उसके बाद कैसे क्या करना आप लोग को, इसके थोड़ा सा ओपेसिटी में यहाँ पे कम कर लेता हूँ, फेक सा लग रहा कुछ। एंड उसके बाद कैसे क्या करना आप लोग को यहाँ से भी डन कर देना। ओके, सो गाइस पिक्सआर्ट के अंदर हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप है भाई फिर से ऐड फोटो में जाना। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद
हम लोग को इस बार ऐड करना है एक भाई बहन का टेक्स्ट PNG एंड एक जो है वो है रक्षाबंधन, मतलब रक्षाबंधन जो है उसका ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों को मैं ऐड कर लिया एंड आप लोग जिसे भी लगा सकते हो भाई रक्षाबंधन में, दोनों का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों को आप डाउनलोड कर लेना एंड आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो भी लगाने वाला वो है भाई भाई बहन, ठीक है, मतलब ये दोनों भाई बहन है, वो तो सभी का भाई रक्षाबंधन है तो वो भाई बहन का ही है, बट भाई थोड़ा सा भाई बहन वाला मैं इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाने के बाद अगर आप लोग कलर चेंज करना चाहते हो टेक्स्ट का, फॉन्ट का, तो आप लोग क्या करना, आप लोग सिंपली एडजस्ट में आप लोग को चले जाना एंड एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को नीचे की तरफ ह्यू दिखेगा, तो आप लोग को ह्यू में चले आना एंड सिंपली इसके अमाउंट को आप लोग डिक्रीज माइनस प्लस करोगे तो जस्ट आप लोग का यहाँ पे कलर चेंज होगा फॉन्ट का, ठीक है। आप लोग देख सकते हो फॉन्ट का वो हो गया एंड गाइस यहाँ से आप लोग को डन कर देना, ठीक है, मतलब एडजस्ट आप लोग को डन कर देना, कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया मैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे मैंने सेट कर लिया इस टेक्स्ट को, यहाँ पे PNG को मैं यहाँ पे सेट कर लिया भाई बहन के टेक्स्ट PNG को एंड यहाँ से डन कर देना। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका, अब हम लोग चलते हैं 5th स्टेप की तरफ। 5th स्टेप हमारा ये है कि ऐड फोटो में आने के बाद गाइस क्या करना है कि डाउनलोड के फोल्डर में जाना है एंड डाउनलोड के फोल्डर में जाने के बाद एक ब्लर राखी जो PNG है उस PNG को हम लोग को यहाँ पे से ऐड करना, ठीक है। ये रहा, तो भाई ये जो हमारे फोटो में जब लगता है तो एक अलग ही लुक आता है भाई, एक अलग ही क्रिएटिव सा फोटो हमारा बन जाता है देखने में। आप लोग देख सकते हो कैसा मतलब लुक लाया भाई, मैं ओपेसिटी कम करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे जस्ट ओपेसिटी को कम करता हूँ एंड आप लोग देख रहे हो कैसा लुक ला रहा हमारे फोटो के अंदर, मतलब क्रिएटिव सा ला रहा। एंड उसके बाद क्या करना आप लोग को, यहाँ पे जस्ट आप लोग इरेज भी कर सकते हो, जो हैंड के पास आ गया है तो यहाँ से आप लोग इरेज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से डन कर देना एंड फाइनली फिर यहाँ से भी आप लोग को डन कर देना, ओके। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा 5 मतलब जितने भी स्टेप थे वो सारा स्टेप यहाँ पे हमारा PicsArt का कंप्लीट हो चुका, ओके। तो 5 स्टेप में हमारा फोटो यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट हो चुका, ओके। सो गाइस देखने में आप लोग देख सकते हो कि कैसा लग रहा पोस्टर टाइप का, एकदम लग रहा रक्षाबंधन पोस्टर एडिटिंग भाई, बहुत ही नॉर्मल है भाई, बहुत ही अमेजिंग एडिटिंग है। आप लोग इजिली आप लोग का ना फोटो क्लिक करने में टाइम जाएगा ना ही एडिटिंग करने में टाइम जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये हो गया एंड सिंपली आप लोग फोटो सेव करना जानते ही होगे एंड भाई आप लोग चाहो तो इस फोटो को फिर रिटच भी कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग कर सकते हो यार लाइट रूम के अंदर, ठीक है। एंड ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाली है भाई, मैं करके देखा था इसलिए आप लोग को मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बताने वाला हूँ लाइट रूम के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट कर दिया लाइट रूम का, आप लोग अगर चाहते हो तो लाइट रूम के अंदर आकर आप लोग रिटच कर सकते हो भाई, ज़्यादा इफेक्ट नहीं देने वाला नहीं दिया था भाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटच करके आप लोग को वीडियो बनाया था भाई, बट मैं उसे फास्ट कर दिया क्योंकि झूठ का टाइम चला जा रहा था भाई 10 मिनट के करीब, तो मैंने सोचा रहने देते हैं भाई। ओके 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 ओके, एक बात तो रही गई भाई, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड डूड, सब्सक्राइब कर लेना यार, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। मैं मुलतरफ किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड